हरे कृष्णा, क्लास 11। कैसे हैं आप सब लोग? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञान निकेड़ा में। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 को। ये बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, इसलिए आपको पता है हम हर बार हर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट अलग शूट कर रहे थे और एक्सरसाइज को अलग कर रहे थे। बट छोटी एक्सरसाइज होने के कारण मैं इसको इंट्रोडक्शन भी इसका छोटा बन रहा था, तो इंट्रोडक्शन प्लस में एक्सरसाइज दोनों कंबाइन करके आपके सामने ये रहने वाला, ठीक है। अब छोटी एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप ढील दोगे, बिल्कुल ढील देंगे तो नहीं है, क्योंकि कोई से भी साल का पेपर उठा के देख लो, इस एक्सरसाइज से ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन गारंटेड आया ही आया है। कहते ना छोटे हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसे हल्के में ले लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल क्लास 11 में इसका काम नहीं, एक का जैसे कि आपको पता कि अगर मैं बात करूँ इक्वेशंस की, तो हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था 7th 8th में, लेकिन अभी भी हम लोग 11th में आ गए, अभी भी हमें जरूरत पड़ती है इक्वेशन के सोल्यूशन को निकालने के लिए। तो भले ही आपके सामने नया इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्लास 12th में अगर आगे पढ़ो कॉलेज वगैरह में ना, तो वहाँ पर ये बहुत काम देने वाला है, इसलिए इसको समझ लो। बच्चे 12th में जाने के बाद भी सोल्यूशन निकालना नहीं आता उन लोगों, बट आप बहुत लकी हो मैं भी लकी, मतलब आप मुझे ऐसे बच्चे मिले, लेकिन फिर भी हम दोनों लकी हैं कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला ज्ञान निकेड़ा, जिसके माध्यम से मैं बता पा रहा हूँ और आप लोग समझ पा रहे हो। तो समझो इस बात को और सारे फ्रेंड में जरूर शेयर करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते वक्त ऐसा तो है होगा ही नहीं कि डाउट निकल गया है। जो भी डाउट आएगा मेरे को इंस्टाग्राम पे आप सेंड कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, ये मेरे इंस्टाग्राम पे आईडी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ सुंदर सा, हजारों बच्चे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर क्या भेजता हूँ मैं हर चैप्टर के बाद, मैं नोट्स और वर्कशीट जो है प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मैं टेलीग्राम के अंदर ही सेंड करता हूँ। अगर आप नए चैनल पर, अगर आपने लिंक को ज्वाइन, ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पूरे साल यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक सुंदर सा लाल बटन होता है फ्री ऑफ कॉस्ट का होता है, उसे दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो आए आप तक जरूर पहुंचे और आप भी इसका फायदा उठा सके। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। तो वही यहां पर जो हम लोग क्या पढ़ने वाले, मोटा मोटा पहला मैं आपको बता देता हूं, हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस क्या होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जब भी बात करते हैं इक्वेशंस की, तो इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, आपको पता है, चाहे मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं, चाहे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, चाहे क्यूबिक इक्वेशन, किसी भी तरह के इक्वेशन की बात करूं, हर इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इस सेक्शन में हम ये करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर हम लोग पूरा यहाँ पर ध्यान देने वाले, बस इतना ही सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। 10 मिनट दो, ध्यान से सुनो, आपको पूरा इंडक्शन समझ में आ जाएगा, उसके सीधा एक्सेल में जाएंगे, क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बस 10 मिनट जो है ध्यान से आपको सुनना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखो, बहुत सिंपल डेफिनेशन आपको बताता हूं, एक ऐसी इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो, उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या बोला मैंने, इक्वेशंस लिख देता हूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं इक्वेशन, ठीक है, इन व्हिच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इन्वॉल्व, फंक्शंस आर इन्वॉल्व। तो एक ऐसी इक्वेशन, ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो, इन्वॉल्व हो, उसे क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल तो मैंने बोला साइन एक्स प्लस में, ठीक है, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स जो है इक्वल 3 दे रखा है, ये क्या होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। मैंने बोला साइन एक्स, है ना, माइनस में कॉस एक्स इक्वल 4, ये भी हो गया। मैंने बोला टेन एक्स इक्वल टू 0, ये भी हो गया, साइन एक्स इक्वल टू 0। तो ऐसी सारी की सारी इक्वेशंस जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हम लोग बोलते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन, कुछ ज़्यादा हौच पौच नहीं है, सारी बातें आप लोगों को बता रखी है मैंने, बस उसी के उसमें तो है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने सारी वीडियोस को फॉलो करें ना, तो बहुत ईजी लगेगा, वरना दिक्कत देगा जो बच्चे नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए अगर पहले की वीडियोस नहीं देखे तो उनको देखो पूरा, मतलब एक पकड़ बनाओ ट्रिग्नोमेट्री, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो ना, तो पूरी पकड़ बना के पढ़ो, यानी कि मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लिया ऐसा मजा नहीं आएगा, तो सब कुछ समझ में आएगा, तो पता चलेगा हमारी ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में है कैसा, ठीक है, तभी अच्छे से कर पाओगे आगे भी, इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया था, जैसे कि आपको पता है ये क्या है, मैंने बोला एक्स प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, एक क्या है, एक ही लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब मैं बात करूं यहां पर, अगर मैंने बोला
सोल्यूशन की बात करो, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन का मतलब सिंपल ये होता है, जो वेरिएबल हमारे पास है यहाँ पर एक्स जो है हमारे पास है, उसकी ऐसी वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, मतलब एल एच एस जो है आर एच एस के बराबर निकल के आ जाए। तो यहाँ पर एक्स क्यू लेकर मैं माइनस का थ्री पुट करूंगा, तो माइनस का थ्री प्लस में थ्री इक्वल टू जीरो निकल के आ गया। आप देख सकते हो कैंसिल हो गया, जीरो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स की वैल्यू माइनस का थ्री क्या है, वो इसका सोल्यूशन है। क्या है? सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। इतना क्लियर हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी सोल्यूशन होता है। कैसे? सुनो ध्यान से। मैंने बोला बताओ, मैं कह रहा हूं बताओ साइन एक्स इक्वल टू जीरो, मेरे पास एक इक्वेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की किस किस वैल्यू के लिए, एक्स की किस किस वैल्यू के लिए साइन एक्स जो है वो जीरो निकल के आ जाएगा। तो जो 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 एक्स की वैल्यूज होंगी उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूशन बोलेंगे। मान के चलो यहां पर ना क्लास में बच्चे बैठे थे, मैंने उनसे पूछा बताओ भाई, मैंने बता रखा साइन एक्स जीरो कब कब होता है। कह सर आप भी मजाक कर रहे हो, सर ये आपने बताया था, ये बताया था आपने, आपने कहा था जीरो होता है ना, ये पाई अपॉन टू होता है, सर ये पाई होता है, ये थ्री पाई अपॉन बाई टू होता है, और ये फिर यहां पर वापस टू पाई निकल के आता है। सर आपने बताया था एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो साइन एक्स जीरो होता है, एक्स एक्स मतलब जीरो पर, पाई पर और टू पाई पर साइन एक्स जीरो हो जाएगा। मैं कहूँ वाह भाई वाह, तुम्हें सारी बात पता है इसका मतलब। आपने क्या बोला? सर साइन जीरो रेडियन भी जीरो ही होता है। तो किसने सर एक्स इक्वल जीरो जो है एक सोल्यूशन में निकाली? मैंने कहा वाह बेटा वाह, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। कोई कह रहा सर मैं बताऊँ? मैंने कहा हाँ बताओ। तो उसने बोला सर एक साइन जो है पाई पर, साइन पाई भी कितना होता है? जीरो होता है। मैंने कहा वाह बेटे वाह, एक्स इक्वल पाई भी इसका सोल्यूशन हो गया, है ना, क्योंकि एक्स एक्स की वैल्यू पाई रखने पर साइन पाई जीरो के बराबर आता है, वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा, तो उसका सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन का मतलब समझे कि मतलब एक्स की किस किस वैल्यू के लिए साइन एक्स जो है, साइन जो है वो जीरो निकल के आ जाए, उसे बोलते हैं उसका सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आप मैंने यहाँ पर बोला बहुत बड़े, जितनी तारीफ की आप लोग उतनी कम। कोई कह रहा सर हमारे पास एक काम करो ना, क्या कहते हैं एक्स इक्वल टू जो है वो टू पाई में भी तो जीरो होता है। मैंने कहा वाह बेटा शाबाश शाबाश शाबाश। तो ये जो है जीरो पर, पाई पर, टू पाई पर जो है साइन एक्स जीरो निकल के आता है। अब उसी बीच में ना कुछ कुछ समझदार बच्चे होते हैं जो ना मतलब अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं, या होते भी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उन्हें हाथ के सर एक बार बताऊं मैं। मैंने कहा क्या सर उन्हें इनकम्प्लीट सोल्यूशन बताया? मैंने कहा अच्छा क्या होगा कंप्लीट? उन्होंने कहा सर एक बार आप बताओ, आपने कहा था एक्स एक्सिस के ऊपर साइन एक्स जीरो होता है, इन्होंने बोला जीरो पाई टू पाई, इन्होंने केवल एक चक्कर में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में तो आंसर बता दिया, पर आपने कहा था इसका वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट होती है, इसका मतलब जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, वापस थ्री पाई पे तो जीरो होगा सर, फोर पाई पे जीरो होगा, फाइव पाई, सिक्स पाई, सेवन पाई, सब में जीरो होगा। ये वाली बात भी सही है। मैंने कहा बेटा इसको ताली बजाओ उसके लिए, तो ये तो सही कह रहा है बिल्कुल। अब ये वाला बच्चा कर सर मैंने भी सही बोला, अब ये कह मैंने भी सही बोला, अब दोनों की होगी भैंस, एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, आज दूसरे को गंजा कर चुके हैं, उसके बाल भी खत्म, उसके बाल भी खत्म, क्या करेंगे? तो मैंने फिर यहाँ पर ना मुझे सोल्यूशन की कैटेगरी बनानी पड़ी। मैंने कहा मेरे को बताना कि दोनों सही है। मैंने कहा बेटा जिन्होंने बोला है जीरो पाई टू पाई बोला वो भी सही है, और जिसने बोला कि सर ये चलता रहेगा वो भी सही है, दोनों सही है। तो मैंने कैटेगरी बांट दी। तो मैंने बोला तुमने जो बताया उसे बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और तुमने जो बताया उसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन होते हैं उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया, इसको मैंने बोल दिया आपने बताया जनरल सॉल्यूशन। आपने बता दिया कि सर मैंने एक टर्म बता दिया कि ना जनरल सॉल्यूशन बता दिया मैंने, अब आप वैल्यू पुट करते जब आंसर निकल चला जाएगा उसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब आंसर क्या हो, जब सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो, जब सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो ना, तो हम सारे सॉल्यूशन को नहीं लिख सकते, तो वहां पर एक जनरल टर्म लिखते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया हुआ है, आपको पता कि टू जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, सब पे साइन एक्स जीरो होता है। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू एन पाई, जहां पर एन क्या, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन इंटीजर है। तो ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन को बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? जनरल सोल्यूशन। चेक करो, बताया था नहीं बताया था मैंने, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स इक्वल टू एन पाई क्या हो गया? ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन जो कि केवल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के ऊपर, इसका मतलब वो सोल्यूशन जो कि जीरो और जीरो और टू पाई के बीच में हो, जीरो जीरो से बड़ा टू पाई के बीच में, इसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन। बात एक ही है, हम बात एक ही है हमारे पास, लेकिन प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में क्या कहते हैं कहां कहां पर साइन एक्स जीरो हुआ उसे तो बोलते हैं प्रिंसिपल, लेकिन बाकी सब में क्या बोलेंगे? जनरल सोल्यूशन। मैंने बोल दिया जनरल सोल्यूशन कंटेन एन हमारे पास होता है। अब आप एन की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। एन के लिए मैंने जीरो पुट करी तो जीरो आ गया, वन पुट करी तो पाई निकल के आ गया, टू पुट करी तो टू पाई निकल के आ गया। तो इसे बोलते हैं हम लोग जनरल सोल्यूशन। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है, उसके फिर हम यहां पर आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैं टारो में नोट कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जनरल सोल्यूशन किसे बोलते हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन बनाते कैसे वो हम चैप्टर फोर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। अब सुनो, ऐसे ही मैंने बोला बताओ कॉस एक्स इक्वल टू जीरो कब कब होता है?
तो किसने बोला सर आपने कहा था वाई एक्सिस पर ना कॉस जीरो होता है, तो किसने बोला सर एक्स इक्वल टू पाई अपॉन टू पर, मैंने कहा वाह बेटा वाह क्या सोल्यूशन बताया, कोई कहा सर एक्स इक्वल टू क्या हो गया थ्री पाई अपॉन टू पर, मैंने कहा वाह बेटा वाह। तो ये दो सोल्यूशन क्या है ना, ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर जो है साइन एक्स दो बार ही जीरो होगा, पाई अपॉन टू पे होगा सॉरी कॉस एक्स दो बार ही जीरो होगा, एक पाई अपॉन टू पे होगा और एक थ्री पाई अपॉन टू पे होगा। तो ये हमारे पास दो सोल्यूशन कहलाएंगे, इसे कहेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे प्रिंसिपल? क्योंकि ये जीरो और टू पाई से जीरो जीरो से बड़ा है और हमारे पास टू पाई से छोटा, तो इनके बीच में जो आंसर निकल के आते हैं इनके बीच में जो सोल्यूशन होते हैं उसे बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। और जो जनरल सोल्यूशन हम लोग देंगे ना वो भी हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन की मदद से ही देते हैं, मैं आगे आपको डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। बात क्लियर हो गई? ठीक है। और अगर मैं बात करूँ उसके जनरल सोल्यूशन की, अगर मैं बात करूँ जनरल सोल्यूशन की, तो बताओ क्या कहा था मैंने, पाई अपॉन टू थ्री पाई अपॉन टू फाइव पाई अपॉन टू सेवन पाई अपॉन टू, मतलब ऑड मल्टीप्लाई पाई अपॉन टू। तो ऑड के लिए क्या करते हैं, टू एन प्लस में वन, ये होता है ऑड के लिए, और पाई अपॉन टू, तो ये हो गया जनरल सोल्यूशन। मतलब क्या है, आप एन की वाली पुट करते जब आपको आंसर मिलता चला जाएगा कि कहाँ कहाँ पर कॉस एक्स जो है वो जीरो होगा। लेकिन अगर एक चक्कर के अंदर की बात करें, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर की बात करें, तो कॉस एक्स जो केवल दो जगह पर जीरो हुआ और उस सोल्यूशन को बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन, और एक होता है जनरल सोल्यूशन। अब मेरे को बताओ आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन के बीच में अंतर समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जनरल मतलब सबके लिए पूरा हो गया, उसमें सब कुछ आ गया। प्रिंसिपल मतलब सिर्फ एक चक्कर के अंदर अंदर जो सोल्यूशन होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन। इतना क्लियर हो गया, अभी समझो बस। अब कैसे निकालते हैं मैं क्वेश्चन बताऊंगा, तो बड़े आराम से आप लोग जो है यहां पर समझ जाओगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, नोट करो, मैं सारा मिटा रहा हूं। सुना ध्यान से। ऐसी मान चलो मैंने बोला कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस इक्वल टू रूट थ्री अपॉइंट टू है मेरे पास। ठीक है, मैंने बोला सोल्यूशन बताओ, तो आप मैंने बोला प्रिंसिपल सोल्यूशन बताओ एक चक्कर के अंदर अंदर। तो आप सुनो कैसे करना है, आपको ध्यान सुना सारी बात बता रहा हूँ मैं। तो मान चलो हमारे पास ये हो गया, अब कॉस एक्स है रूट थ्री पाई रूट थ्री अपॉइंट टू दे रखा है। अब कॉस एक्स जो है पॉजिटिव है, अब एक कंप्लीट चक्कर में कॉस एक्स पॉजिटिव सिर्फ दो जगह होता है, एक तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव होता है यहाँ पर, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक होता है ऐड शुगर टू कप, और एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पर कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, ध्यान सुना क्या बोलना चाह रहा हूँ। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था इस वाले क्वाड्रेंट को ये पाई होता है ना, ये टू पाई होता है, यहाँ पर लिखना तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस में थीटा बोलते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं पाई प्लस में थीटा, और यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं टू पाई माइनस में थीटा, ये लिखते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। अब मैंने बोला सोल्यूशन बताओ, तो कोई बच्चा कहे सर सोल्यूशन बताना, बिल्कुल बता रहे हैं, कॉस एक्स रूट थ्री अपॉन टू होता सर, कॉस की वैल्यू होती है ये 30 डिग्री पर, तो पाई अपॉन सिक्स पर होती है, तो कॉस एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आएगा है ना, कॉस पाई अपॉन पे थ्री कॉस पाई अपॉन सिक्स पे जो है वो रूट थ्री अपॉन टू निकल के आता, तो एक सोल्यूशन आ गया एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन में सिक्स निकल के आ गया। मैंने कहा बेटा बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया, जितनी तारीफ की जाए आपकी उतनी कम। और फिर उसने देखा कि मैं यहाँ पर तो बता नहीं सकता इसका आंसर, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ भी आंसर नहीं बता सकता मैं, लेकिन यहाँ पर आंसर बता सकता हूँ, यहाँ पर भी क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है, और यहाँ के लिए क्या लिखते हैं हम लोग टू पाई माइनस में थीटा लिखते हैं, तो आप एक वैल्यू और बता दी अपने कॉस है ना टू पाई माइनस में थीटा कितना है पाई अपॉन सिक्स है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे में सॉल्व करेंगे कॉस, ठीक है, 12 पाई माइनस में पाई अपॉन पे 6, तो आ गया कॉस 11 पाई अपॉन पे 6, 11 पाई अपॉन 6 पर भी रूट थ्री अपॉन टू ही वैल्यू निकल के आने वाली है, चेक कर लो। ये सारी बातें आपको मैंने पहले बताई थी, इसका मतलब क्या हुआ, एक कंप्लीट चक्कर के अंदर यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव, तो दो हमारे सोल्यूशन निकल गया, कौन कौन से, एक तो निकल गया एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 6 और एक निकल के आ गया x इक्वल टू 11 पाई अपॉन पे 6, तो इन दो वैल्यूज पर जो है cos x जो है वो रूट थ्री अपॉन पे 2 निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, ये बिल्कुल आ गई होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर चेक करेंगे पाई माइनस थीटा, यहाँ पर पाई प्लस थीटा, यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा पे हम लोग वैल्यूज को चेक करते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन एक कंप्लीट सोल्यूशन के अंदर। अब बात करूं मैं बोलूं जनरल सोल्यूशन बताओ, जैसे कॉस एक्स इक्वल टू जीरो तो हमने बता दिया था, साइन एक्स इक्वल टू जीरो होता है एन पाई में हमने बता दिया, अगर मान के चलो कॉस एक्स इक्वल रूट थ्री अपॉइंट टू है, तो इसकी वैल्यूज बताओ कहां कहां पर होगी, इसकी वैल्यू बताओ कहां कहां पर सेम सेम आएगी, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है, इसको समझने की कोशिश करना। तो मैं इतना मिटा रहा हूं, अब बात करते हैं जनरल सोल्यूशन की कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, वैसे इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं केवल कॉस एक्स का बता के बता रहा हूं ना, बाकी आप सिर्फ याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और जो जनरल सोल्यूशन होता है वो निकलता प्रिंसिपल सोल्यूशन से ही, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है, और सबसे छोटा जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है उसी की हेल्प से हम लोग जनरल सोल्यूशन को भी निकालते हैं। सुनो ध्यान से कैसे करेंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया कॉस एक्स इक्वल टू हो गया कॉस पाई अपॉन पे 3। जब ऐसी कंडीशन निकल के आ जाए, क्या निकल के आ गए, जब कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई निकल के आ जाए, तब हम जनरल सोल्यूशन कैसे देंगे उसको ड्राइव कर रहा हूं। तो आपको पता क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस में कॉस वाई इक्वल टू जीरो निकल के आ गया। अब कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस बुरी फैमिली से, और माइनस का साइन आ रहा है, क्या होता है, माइनस का 2 साइन एक्स प्लस में वाई अपॉन पे 2 होता है, और साइन
एक्स माइनस में वाई अपॉन में टू निकल के आता है इक्वल टू जीरो हो गया, माइनस टू वहाँ जाकर जीरो हो गया। किसी का मन ये तो नहीं कर रहा कि सर टू से टू काट दूँ, तो बिल्कुल खराब मन कर रहा है। तो माइनस टू वहाँ जाकर जीरो हो गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे बचा साइन है ना एक्स प्लस में वाई अपॉन पे टू, ये बचा और बचा साइन एक्स माइनस में वाई अपॉन पे टू इक्वल टू जीरो। तो एक बार इसके बराबर जीरो करते हैं, एक बार इसके बराबर जीरो करते हैं, देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। ठीक है, तो मान के चलो मैंने करा साइन एक्स प्लस में वाई अपॉन टू इक्वल टू जीरो। आपको पता है, सुना ध्यान से, कैसे यूज करते हैं साइन में कोई भी एंगल जीरो कब कब होता है, वो होता है क्या जब थीटा जो क्या हो एन पाई हो। इसका मतलब क्या हो, जो थीटा एक्स प्लस वाई अपॉन टू जो है अगर वो एन पाई होगा, ये इसका सलूशन है कि नहीं। तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया, वो आ गया टू एन पाई निकल के आ गया इस तरीके से। और यहाँ पर क्या आ गया, एक्स इक्वल टू आ गया टू एन पाई माइनस में वाई निकल के आ जाएगा। समझने वाली बात है, समझना। देखो ध्यान से, अगर साइन एक्स इक्वल टू जीरो है तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन पाई होता है। जो भी यहाँ पर एंगल होता है वो इक्वल टू एन पाई होता है। यहाँ पर ये एंगल है तो इसके बराबर में एन पाई निकल के आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी मान चलो मेरे पास लिखा है साइन थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, मैंने कहा इसका सोल्यूशन बताओ, आप क्या करोगे, थ्री एक्स इक्वल टू एन पाई हो गया और एक्स निकल के आ गया एन पाई अपॉन थ्री, तो ये इसका सोल्यूशन निकल, जनरल सोल्यूशन निकल के आएगा, ये चीज ध्यान रखना है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं। अब इसके बारे में चेक करते हैं। अब मैंने बोला साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू इक्वल जीरो कब कब होगा, आपने कहा सर एक्स माइनस वाई अपॉन टू इक्वल टू एन पाई हो। ठीक है, अब ये यहाँ चला गया तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो गया टू एन पाई, और यहाँ से एक्स क्या निकल के आ गया, एक्स आ गया टू एन पाई और प्लस में वाई निकल के आ गया। तो एक्स की दो वैल्यू निकल के आई, माइनस का वाई भी है प्लस का वाई भी, एक काम करते हैं। तो एक्स क्या निकल के आ गया, एक्स इक्वल टू आ गया टू एन पाई और प्लस माइनस वाई निकल के आ गया। तो इसे बोलेंगे हम लोग, ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। क्या हो गया, ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन निकल के आ जाएगा जब कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई होगा। ये आपको ध्यान रखना, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारा वाई क्या है, जो यहाँ पर ही आ गया पाई अपॉन थ्री के, वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, ये समझना ध्यान से, y क्या होगा ना, सबसे छोटा प्रिंसिपल सोल्यूशन हम लोग y बोलेंगे। अभी आगे बताऊंगा, आप पहले से नोट कर चलो कि ये डायरेक्शन कैसे आती है। तो बाकी नीड नहीं है डायरेक्शन आपको याद नहीं रखना, अब मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, है ना। मैंने एक करके बताया था कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, बाकी पेनसीआरटी देखोगे बहुत सिंपल आप कर सकते हो। ठीक है, आप करके बताना, मुझे समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, मैं लिख दूँ यहाँ पर बाकी के सोल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सबके जनरल सोल्यूशन लिखता हूँ। पहले बात करते हैं, अगर मान लो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई हुआ तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, इसका जनरल सोल्यूशन आएगा एक्स इक्वल टू एन पाई और प्लस में माइनस वन की पावर एन और वाई निकल के आएगा। दूसरा, अगर हमारे पास कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई होगा, अभी हमने निकाला कैसे, एक्स इक्वल क्या आएगा, वो आएगा टू एन पाई प्लस माइनस वाई निकल के आ गया। ठीक है, और सिमिलरली अगर हमारे पास तीसरा कैसा, टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई अगर निकल के आ जाए तो हमारे पास जो एक्स की आएगी वो निकल के आती है एन पाई प्लस में वाई निकल के आती है। तो आपको ये वैल्यूज को याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसे याद कर लो फटाफट से। तो ये होते हैं इसके जनरल सोल्यूशन। ठीक है, और साइन का और कॉसेक का सेम सेम होगा, आगे जाके बताऊँ कैसे। कॉस का और क्या कहते हैं साइक का सेम सेम होता है, और टेन का और कॉट एक्स का बिल्कुल सेम सेम जनरल सोल्यूशन निकल के आता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो आपको पता चल गया। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में ये पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, टू पाई माइनस थीटा ऐसे निकालते हैं, और जनरल सोल्यूशन जो होगा आपको इस तरीके से निकालना है। अब कैसे करते हैं मैं क्वेश्चन से बता दूं, आपको पूरा क्लियर निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन सुन लो, एक्सरसाइज चलते हैं, एक क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। अब एक्सरसाइज करते हैं, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा एक्सरसाइज आपके स्क्रीन के ऊपर, है ना। चलो ठीक है, ध्यान सुनना। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास tan x इक्वल रूट थ्री, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन भी निकालना है और जनरल सोल्यूशन भी निकालना है। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं लाइन खींच दूँ इस तरह से लाइन खींच दूँ मैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पर tan x इक्वल रूट थ्री है, आपको x की वैल्यूज बतानी है, x की किस किस वैल्यू के लिए रूट थ्री आए। तो एक कंप्लीट चक्कर में x की किस किस वैल्यू के लिए रूट थ्री आता तो हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन, और एक निकालेंगे जनरल। सुनो, tan x क्या था, पॉजिटिव है। अब tan पॉजिटिव या तो यहाँ पर होता है या फिर यहाँ पर होता है। अब ये क्या होता है, ये तो होता है पाई माइनस में थीटा, ये होता है पाई प्लस में थीटा, ये होता है टू पाई माइनस में थीटा निकल के आता है, और ये थीटा ही होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, टेन एक्स इक्वल टू पाई रूट थ्री कब होता है, ये होता है 60 में पाई अपॉन थ्री, तो होता है टेन पाई अपॉन थ्री में निकल के आता है एक तो। ठीक है, तो आ गया एक्स इक्वल टू पाई अपॉन थ्री, आपका एक सोल्यूशन ये निकल के आ गया, इतना क्लियर है। साथ ही साथ में आपको बताया क्या कहते हैं, आपको पता है कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, टेन एक्स इक्वल टेन पाई अपॉन थ्री निकल के आ गया था ना इसकी जगह तो। और आपको पता है टेन एक्स इक्वल टू, अब रूट पाई अपॉन थ्री यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, तो थर्ड क्वार्टर में तो टेन पॉजिटिव ही होता है, इसके लिए क्या पाई प्लस थीटा, इसका मतलब टेन जो है पाई प्लस में थीटा कितना निकल के आया है पाई अपॉन थ्री, तो ये हो गया अपने पास। तो टेन एक्स इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, और टेन है ना थ्री वन जा थ्री हो गया फोर पाई अपॉन थ्री पर, तो आगे कंपेयर करके निकालेंगे एक्स इक्वल टू आ गया फोर पाई अपॉन थ्री। तो ये आपकी आगे प्रिंसिपल सोल्यूशन निकल के,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने दो दो वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो ही निकल के आते हैं किसी भी इक्वेशन के, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने निकल के आएंगे, दो ही निकल के आएंगे, है ना। कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कहाँ कहाँ पर नेगेटिव है आपको देखना है। तो यहाँ पर होगा इस तरीके से, यहाँ पर दोबारा बता दो एक बार। तो पहले आपने क्या करा, एक सिंपल वैल्यू निकाली पाई अपॉन थ्री, नॉर्मल निकल के आ गया आपका ये, ठीक है। जहाँ पर थीटा के लिए आपको याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर रूट थ्री होता है, और दूसरा क्या आपने देखा यहाँ पर भी होता है थीटा का, जहाँ पर वैल्यू जहाँ पर रूट थ्री निकल के आती है, तो ये दोनों निकल के आ गया। अब बात करते हैं इसके जनरल सॉल्यूशन की, तो ये थे इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की, किसकी, जनरल सॉल्यूशन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान सुनना। तो ये क्या हो गया अपने पास, tan x इक्वल tan y, है ना। तो tan x इक्वल टू tan y के लिए जो आपको मैंने बताया था, क्या बता रहा, x इक्वल टू होता है n पाई प्लस पे y निकल के आता है, और y क्या होता है, y का था मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, पाई अपॉन 3। तो निकल के आ गया आपका x इक्वल टू n पाई प्लस में पाई अपॉन पे 3, ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। बस आपको चीज़ें याद रखनी है और बड़े आराम से हो गया, यस हो चुका है, यकीन मानो हो गया। तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेंगे और ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब मुझे कमेंट बॉक्स में तो आपको चीज़ समझ में आ रही है या नहीं है जी, अभी आगे चलते हैं और क्लियर होगा, आगे चलते हैं। आया sec x इक्वल टू, फिर से बनाता हूं मैं, sec x जो है 2 कहां कहां पर होता है। अब sec x पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहां कहां पर होता है, एक तो फोर्थ क्वाड में 2 पाई माइनस थीटा पे, और कहां पर, एक फर्स्ट में, इसे बोलते हैं पाई माइनस थीटा, इसे बोलते हैं पाई प्लस थीटा, ध्यान सुनना। तो हमारे पास क्या आ गया, sec x इक्वल टू, अब ये cos कब होता है, 2 1 2 cos 1 अपॉन 2 होता है 60 पाई अपॉन 3 पे, तो आगे sec पाई अपॉन 3, है ना। तो sec x इक्वल टू sec पाई अपॉन 3 पे 2 होता है, तो कंपेयर करके निकाली हमने, x इक्वल टू आ गया पाई अपॉन 3 निकल के आ जाएगा, तो ये आ गया एक सोल्यूशन। दूसरा हमारे पास क्या है, 2 पाई माइनस में थीटा, थीटा क्या है, पाई अपॉन 3, है कि नहीं। तो sec x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, sec कितना, 2 पाई माइनस में थीटा कितना हो गया, पाई अपॉन 3 निकल के आ जाएगा, जो कि हो गया आपका sec x इक्वल टू हो जाएगा sec कितना, 6 5 पाई अपॉन पे 3 निकल के आ गया। कंपेयर करूंगा एक्स वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आ गया 5 पाई अपॉन में 3 निकल के आ गया। तो ये हो गया आपके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बात करें जनरल सॉल्यूशन की, अब मैंने कहा था कॉस का सेक का सेम होता है, ठीक है। तो कॉस का क्या था, कॉस का जनरल सॉल्यूशन था एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई था, वाई क्या होता है सबसे छोटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो एक्स निकल के आ गया 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन में 3, ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन निकल के। बहुत ही आसान तरीके से जो है मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, आपको होना भी नहीं चाहिए, ध्यान समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 3, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन 3, ये रहा, है ना, हटो भैया। कॉटेक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री, अब ध्यान सुनना, माइनस और ध्यान सुनना, अब कॉटेक्स जो है माइनस रूट थ्री, अब कॉट माइनस कहाँ कहाँ पर होता है, कॉट माइनस होता है हमारे पास इस क्वाड्रेंट में, एक होता है इस क्वाड्रेंट में, मतलब क्या होता है पाई माइनस में थीटा पे होता है, और पाई 2 पाई माइनस थीटा पे जो है कॉट नेगेटिव होता है। तो हमें ये दो वैल्यूज देनी है, ये वाली नहीं देनी, ये भी नहीं, या तो पॉजिटिव होता है, हमें ये दो वैल्यू देनी है। तो आपको पता है, इसे लिख सकते हैं कॉट एक्स इक्वल टू, बोल सकते हैं माइनस में कॉट रूट थ्री कब होता है, ये टेन रूट वन अपॉन रूट थ्री होता है आपका 30 पे पाई अपॉन 6 पे, तो पाई अपॉन 6 पे, तो माइनस कॉट पाई अपॉन 6 पे जो है आपका x की जो है x निकल के कितना है पाई अपॉन 6, है ना, x यहाँ पर लिख लो, x आ गया आपका कितना पाई अपॉन 6 निकल के आ गया, इसके लिए जो है आपका माइनस में रूट थ्री निकल के आता है। माइनस का मतलब ये है कि भाई किस किस कॉर्ड में पड़ रहा है ना, वहाँ पर आपको निकाला, लेकिन x के लिए कितना है पाई अपॉन 6 निकल के आ गई। अब देखो ध्यान से, तो हम क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे कॉट x इक्वल टू बोलेंगे कॉट, ठीक है, इसके लिए क्या हो गया पाई माइनस में थीटा कितना पाई अपॉन 6 निकल के आ गया, और एक वैल्यू क्या हो जाएगी कॉट एक्स इक्वल टू जाएगा आपके पास कॉट कितना 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा कितना पाई अपॉन पे 6 निकल के आ जाएगा। तो ये जाएगा कॉट एक्स इक्वल टू जाएगा और कॉट 6 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6, कंपेयर करूंगा x आ गया 5 पाई अपॉन पे 6 निकल के, ये आ गया आपका एक सोल्यूशन, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, आ गया होगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा कॉट एक्स इक्वल टू आपका आएगा कॉट 11 पाई अपॉन में 6 निकल के आएगा, कंपेयर करेंगे तो x आ गया आपका 11 पाई अपॉन में 6, तो ये आ गया आपके दो सोल्यूशन। आप क्योंकि सर आपने पाई अपॉन 6 सोल्यूशन क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहां पर नेगेटिव नहीं तो वहां पॉजिटिव होता है, तो हमें नेगेटिव बताना है, तो हमने बस थीटा पता कर लिया कि पाई अपॉन 6 होता है, बाकी हमने निकाले इस क्वाड्रेंट में है, तो थीटा की जगह पाई अपॉन 6 पुट करके हमने निकाल दिया। इसमें क्या था, इसमें ये पॉजिटिव दे रखा था आपको, ये प्लस में था, तो एक तो हमारा थीटा राइट में प्लस में होता, तो एक तो वैल्यू वहीं से आती है और एक वैल्यू आनी थी यहाँ से, है कि नहीं, यहाँ से आनी थी, तो मैंने फिर थीटा के लिए यहाँ पर पुट करके निकाल दिया। तो यहाँ पर तो नेगेटिव है, नेगेटिव आते ही इन दो में, तो वहाँ पर पुट करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं किसकी, जनरल सॉल्यूशन की। तो टेन के बराबर होता है, टेन क्या होता है, एक्स इक्वल होता है एन पाई प्लस में वाई, वाई क्या इसका 5 पाई अपॉन में 6 निकल के आ गया, ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन निकल, कॉट और टेन का सेम होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आ गया होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ये सारी बातें मैंने पहले ही बताई हुई हैं, अगर आपने वीडियो देखे तो आपको पक्का ही समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 4 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर,
कॉसेक एक्स माइनस टू है। पहले वीडियो पॉज कर खुद करो, कोशिश करो, ठीक है। अब कॉसेक जो है नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो नेगेटिव कॉसेक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, मतलब एक होता है वो पाई प्लस थीटा पे नेगेटिव और एक होता है टू पाई माइनस में थीटा पे नेगेटिव होता है, ठीक है। अब नॉर्मल बात करें कॉसेक्स इक्वल टू माइनस टू कहाँ पर होता है, टू की वैल्यू कब होती है, टू होता है वन अपॉइंट टू साइन थर्टी पे होता है, मतलब पाई अपॉइंट सिक्स पे होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है ना वो पाई अपॉइंट सिक्स निकल के आता है, क्योंकि पाई अपॉइंट सिक्स पे जो है ना कॉस जो है वो टू होता है। अब ये माइनस साइन तो ये दिखा रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो नॉर्मल निकालो तो हम बोल सकते हैं कॉसेक एक्स इज इक्वल टू बोलेंगे कैसे बताओ, कॉसेक है ना, कॉसेक पाई प्लस में पाई अपॉइंट सिक्स हो गया एक तो, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, कॉसेक, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जाएगा कॉसेक टू पाई माइनस में पाई अपॉन सिक्स आपका निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक सेवन पाई अपॉन सिक्स, सेवन पाई अपॉन सिक्स, ठीक है। ये क्या आएगा, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बारह ग्यारह, तो कॉसेक इलेवन पाई अपॉन में सिक्स निकल के आ गया। कंपेयर करेंगे एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया सेवन पाई अपॉन में सिक्स निकल के यहाँ से, और यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, एक्स निकल के आएगा इलेवन पाई अपॉन में सिक्स निकल के आ जाएगा। तो ये तो आ गया आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बात करें जनरल की, तो साइन वाला ही हो गया। साइन का क्या होता है, एक्स इक्वल टू होता है एन पाई है ना प्लस में माइनस वन की पावर एन, और वाई, वाई कितना है सेवन पाई अपॉन सिक्स, छोटा वाला जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो काम आता है हमारा जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। आई होप आपको आप समझ में आ गया होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अभी तो सिंगल सिंगल इंडिविजुअल था, अब ना कंबाइन करके आएगा, तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशंस को, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आंसर निकालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फाइंड द, अब हमें केवल जनरल सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने नहीं है, केवल क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला गया, कॉस फोर एक्स इज इक्वल टू लिखा है कॉस टू एक्स, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आगे कॉस फोर एक्स माइनस में कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। जब तक मल्टीप्लाई में नहीं आता हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स प्लस वन है, इसका अगर हमको सोल्यूशन निकालना है तो हम पहले से फैक्टराइज करते हैं, मल्टीप्लाई में लेके आते हैं, तब जाकर फिर हम बोलते हैं इसके बराबर जीरो, इसके बराबर जीरो। तो हमें से मल्टीप्लाई में लाना पड़ेगा, ये तो हमारे पास किस में है, ये तो माइनस में, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का। और आपको पता है कॉस एक्स माइनस में कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन पे टू और साइन x माइनस वाई अपॉइंट टू, ये फॉर्मूला होता है कॉस x माइनस कॉस वाई का। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, कॉस जो है बुरी फैमिली से, मैंने आपको बताया था। तो क्या लगा उसमें, माइनस का टू साइन x प्लस वाई, तो फोर एक्स प्लस में टू एक्स अपॉन पे टू हो जाएगा, और फिर साइन है ना फोर एक्स माइनस में टू एक्स अपॉन में टू इज इक्वल टू जीरो निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही होगी। तो कितना जाएगा, माइनस टू तो हमारे जीरो हो जाएगा, तो आ गया साइन सिक्स एक्स अपॉन पे टू, और ये आ जाएगा साइन 2x अपॉन 2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आ गया साइन 3x है ना, और यहाँ पर आ गया साइन x इक्वल टू जीरो। अब देखो मल्टीप्लाई में आ गया है ना, मल्टीप्लाई में आ गए। अब एक काम करिए, साइन एक बार 3x इक्वल टू जीरो करेंगे और एक बार साइन x इक्वल टू जीरो करेंगे। अब साइन 3x इक्वल टू जीरो, साइन कोई भी एंगल जीरो कब होता है, एन पाई पे, तो 3x इक्वल टू एन पाई निकल के आ गया, और x आ गया एन पाई अपॉन 3। एक तो आपका ये सोल्यूशन निकल गया, x की वैल्यू निकालना है, और साइन x इक्वल टू जीरो क्या होता है, x इक्वल टू एन पाई पे होता है। तो आपका एक ये सोल्यूशन आ गया और एक ये सोल्यूशन निकल गया। ये हो गया आपके इसके जनरल सोल्यूशन। बोलो बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, अब आराम आराम से बात समझ में आ रही होगी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है कॉस थ्री एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो है, तो आपको इसका आंसर बताना, बहुत सिंपल है। अब इसमें क्या करना है, आपको पेयर बनाने पड़ेंगे। कैसे, देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ ना तो कॉस टू एक्स निकल के आएगा, क्यों, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है। जो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बात करूँ कॉस एक्स प्लस में कॉस वाई का, फॉर्मूला होता है हमारे पास टू कॉस है ना एक्स प्लस वाई अपॉन बाई टू होता है, और फिर कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू निकल के आता है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का। फॉर्मूला पुट कर दो बस, तो आ गया अपने पास टू कॉस 3x प्लस में x अपॉन पे 2, और फिर आगे cos 3x माइनस में x अपॉन पे 2 है ना, माइनस में क्या है cos 2x इक्वल टू जीरो निकल के आ गया। अब क्या हो जाएगा, 2 cos 4x अपॉन पे 2 और cos 2x अपॉन पे 2 माइनस में cos 2x इक्वल टू कितना गया, जीरो निकल के आ गया। तो ये हो गया 2 cos 2x cos x माइनस में cos 2x। अब cos 2x कॉमन कर लेते हैं, तो cos 2x कॉमन करा कितना आ गया, 2 cos x माइनस वन निकल के आ गया। तो ये आ गया अब दो मल्टीप्लाई इक्वल टू जीरो। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार करेंगे हम लोग cos 2x बराबर जीरो है ना, तो एक बार क्या करेंगे cos 2x बराबर जीरो करेंगे, और एक बार करेंगे 2 cos x
माइनस वन इक्वल टू जीरो करेंगे। अब कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो, कॉस एंगल कब जीरो होता है, जब हमारे पास एंगल जो है वो कितना आएगा, टू एन प्लस में वन और पाई अपॉन टू का मल्टीपल निकल के आए, ये ध्यान रखना, ये एक्स नहीं लिखना, टू एक्स लिखना है यहाँ पर, तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ गया टू एन प्लस में वन और ये आ गया पाई अपॉन फोर निकल के आ जाएगा, टू नीचे चला गया, ये आ गया आपकी एक्स की वैल्यू निकल गया, एक निकल के आ गई। अभी चेक करना है, तो टू कॉस एक्स इक्वल टू वन हो गया और कॉस एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू हो गया। अब कॉस जो वन अपॉन टू कब होता है, वो होता है कॉस एक्स इक्वल टू कॉस किसमें होता बताओ, वन अपॉन टू कब होता है, वन अपॉन टू होता है आपका साइन वन अपॉन टू थर्टी सिक्सटी होता है, सिक्सटी होता है ना, पाई अपॉन थ्री पे होता है। तो कंपेयर करेंगे एक्स वैल्यू कितना आ गई, पाई अपॉन थ्री निकल के आ गए। हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है, ये तो क्या है, हमें निकालना जनरल सोल्यूशन की कब कब वन अपॉन टू होगा, तो ये तो हमने निकाला प्रिंसिपल सोल्यूशन, एक वैल्यू निकाली है। तो आपको होता है कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई के लिए, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई के लिए, ठीक है, इसमें मिटा दो मैं, इसमें मिटा दो मैं, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई के लिए जो सोल्यूशन कैसे लिखते हैं आपको बताइए, बताओ कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई के लिए, मैंने बताया था कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई के लिए हम सोल्यूशन क्या लिखते हैं, वो आता है एक्स इक्वल टू आता है टू एन पाई प्लस माइनस वाई आता है, वो लिखेंगे एक्स इक्वल टू आ जाएगा टू एन पाई प्लस माइनस वाई कितना है पाई अपॉन पे थ्री निकल के आ जाएगा। ये दो सोल्यूशन जो है आपके निकल के यहाँ पर आ चुके हैं। हमें यहाँ पर निकालना जनरल सोल्यूशन, और जनरल सोल्यूशन का मतलब होता है जिसके ऐसा सोल्यूशन जिसमें एन हो, एन कंटेन करता हो, है ना, उसे बोलता है जनरल सोल्यूशन। तो ये निकल के आ गया सबके लिए। नेक्स्ट सेवन, ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है साइन टू एक्स प्लस कॉस एक्स बोल जीरो है, तो साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स इक्वल जीरो हो गया, यहाँ भी कॉस एक्स यहाँ भी कॉस एक्स, तो कॉस एक्स कर ले कॉमन कितना आया, आया टू साइन एक्स प्लस में वन निकल के आ गया इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पर बन गया इस तरीके से, एक बार कॉस एक्स इक्वल टू जीरो कर दो और एक बार क्या कर दो टू साइन एक्स प्लस में वन इक्वल टू जीरो कर दो। अब कॉस एक्स इक्वल जीरो कब होता है, जब एक्स इक्वल टू निकल के आता है टू एन प्लस में वन और पाई अपॉन में टू, एक सोल्यूशन ये निकल के आ गया, एक सोल्यूशन आपका ये निकल के आ जाएगा। अब दूसरा सोल्यूशन निकालना, ध्यान सुनना, यह हमें निकालना आता है, तो टू साइन एक्स इक्वल टू हो गया माइनस का वन अपॉन बाई टू और आ गया, नहीं माइनस का वन निकल के आ गया और साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स निकल के आ गया माइनस का वन अपॉन में टू निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब साइन एक्स आ गया माइनस वन अपॉन में टू, अब आपको ये बताना कि कहाँ कहाँ पर साइन एक्स माइनस वन अपॉन टू होता है, तो साइन एक्स नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है, वो होता है आपका एक तो यहाँ पर होता है कि यहाँ पर होता है, है ना, सबसे छोटी वैल्यू में काम चल जाएगा। जनरल सोल्यूशन निकालने सबसे छोटी वाली काम चाहिए होते हैं, तो ये क्या होता है पाई आपका प्लस में थीटा होता है, तो वन अपॉन टू होता है पाई अपॉन सिक्स पे, ठीक है, पाई अपॉन सिक्स पे होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइन पाई अपॉन सिक्स पे ना, पाई प्लस पाई अपॉन सिक्स, तो पाई प्लस में पाई अपॉन सिक्स पे जो है नेगेटिव निकल के आएगा, तो आएगा साइन एक्स इक्वल टू जाएगा साइन सेवन पाई अपॉन पे सिक्स निकल के आएगा। और जब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होता है तब क्या होता है सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन बताओ तब क्या होता है, तब हमारे पास निकल के आता है, जब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई निकल के आता है तब एक्स इक्वल टू आता है एन पाई प्लस में माइनस वन की पावर एन इंटू वाई होता है, तो वही आ गया एक्स इक्वल टू आ जाएगा एन पाई और प्लस में माइनस वन की पावर एन और वाई कितना सेवन पाई अपॉन में सिक्स, तो ये आ गया आपका इसका जनरल सोल्यूशन। एक तो ये हो गया और एक ये निकल के आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं यार, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट चलते हैं एट, ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है सेक स्क्वायर टू एक्स इक्वल टू वन माइनस में टेन टू एक्स के लिए दे रखे, कैसे करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, सेक स्क्वायर टू एक्स इज इक्वल टू दे रखा वन माइनस में टेन टू एक्स दे रखा है, नहीं इस तरह से। तो एक काम करते ना, sec स्क्वायर टेन एक्स टू एक्स है, sec स्क्वायर एक्स हमें पता है कि वन प्लस में टेन स्क्वायर जो है एक्स जो है वो sec स्क्वायर एक्स होता है, इसका मतलब sec स्क्वायर टू एक्स को लिख सकते हैं वन प्लस में टेन स्क्वायर टू एक्स, है ना, इज इक्वल हो जाएगा वन माइनस में टेन टू एक्स निकल के आ गया। अब वन से वन कैंसिल हो गया, मतलब टेन स्क्वायर टू एक्स जो है और प्लस में टेन टू एक्स जो है इक्वल टू कितना आ गया, जीरो निकल के आ गया। अब टेन टू एक्स कॉमन कर लो तो कितना आएगा, वो आएगा आपका टेन टू एक्स, टेन टू एक्स प्लस में वन निकल गया इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, एक बार टेन टू एक्स इक्वल टू जीरो सिंपल है, जैसे वो करते हैं ना सॉल्व करते हैं हम लोग फैक्टराइज करते हैं वैसे ही है, और टेन टू एक्स प्लस में वन निकल के आ गया, है ना, टेन टू एक्स प्लस में वन इक्वल टू जीरो निकल के आ गया, यानी इक्वल जीरो निकल के गया। अब टेन एक्स इक्वल टू जीरो कब कब होता है, ध्यान सुनना, अब दो अलग अलग है हमारे पास, एक तो टेन टू एक्स इक्वल टू जीरो हो गया और टेन टू एक्स प्लस में वन इक्वल टू जीरो हो गया। अब टेन एक्स जीरो कहाँ पर होता है, टेन एक्स जीरो होता है मेरे कल जीरो डिग्री पर ना, कॉस साइन एक्स अपॉन पे, हाँ हाँ ठीक है तो हमारे पास क्या होता है, हम लिख सकते हैं टेन टू एक्स जो है टेन टू एक्स इक्वल होता है टेन जीरो डिग्री पर, जीरो डिग्री पर होता है। कंपेयर करा टू एक्स इक्वल टू जीरो निकल के आ गया, एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट टू जीरो निकल गया, तो एक सोल्यूशन आ गया एक्स इक्वल टू जीरो, क्या आ गया एक्स इक्वल टू, नहीं 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 जीरो नहीं आ गया यार, एक मिनट ना, इसे मिटाओ यहाँ जगह नहीं है, ऊपर करते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब जो है ना साइन एक्स इक्वल टू जीरो का हमें जनरल टर्म पता है,
कॉस एक्स इक्वल जीरो को पता, लेकिन टेन एक्स का नहीं पता, तो इसे नॉर्मल तरीके से करना जैसे हम करते आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम करेंगे टेन टू एक्स जो है ना वो कब होता है, वो टेन जीरो डिग्री पर जीरो होता है, जीरो डिग्री जीरो पे ही होता है। तो इसका कंपेयर करेंगे हम, ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया टेन एक्स इक्वल टेन वाई निकल के आ गया। तो टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई का जो सोल्यूशन क्या होता है वो होता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस में वाई होता है। तो निकल के आ गया एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस में वाई तो जीरो हो गया, तो एक्स आ गया एन पाई अपॉन बाई टू, एन पाई अपॉन टू, तो ये आ गया आपका सोल्यूशन निकल के आ गया। बात समझ आई नहीं आई क्यों करे आपको, सर आपने कहा था कि जीरो निकल के एन पाई होता है, टू एन पाई होता है ना, साइन और कॉस के लिए था, लेकिन टेन के लिए हम नॉर्मल करेंगे। तो टेन टू एक्स इक्वल टेन जीरो डिग्री हो गया, और कंपेयर करा हमारे पास टेन एक्स टेन वाई क्या होता है फॉर्मूला, हम जनरल टर्म ये होता है जनरल फॉर्मूला, और हमने यहाँ पर निकाल दिया आराम से, ठीक है। इसमें कहते हैं तो टेन टू एक्स इक्वल टू कितना जाएगा आपका, माइनस का वन निकल के आ गया है ना। अब टेन जो है माइनस नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव होता है अब टेन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, मतलब पाई माइनस में थीटा पे होता है, और वन कब होता है 45 पाई अपॉन फोर पे। तो ये आ गया टेन टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन पाई माइनस में पाई अपॉन फोर पे माइनस वन होता है, ठीक है। तो ये हो गया टेन टू एक्स इक्वल टू टेन ठीक है थ्री पाई अपॉन फोर, तो टेन एक्स इक्वल टेन वाई निकल के आ गया। तो टू एक्स इक्वल टू कितना आएगा एन पाई प्लस में वाई, वाई कितना थ्री पाई अपॉन पे फोर, तो एक्स आ गया एन पाई अपॉन पे टू और प्लस में थ्री पाई अपॉन पे एट निकल के, टू यहाँ पर जाएगा तो टू आएगा, यहाँ पर आएगा तो एट निकल के आएगा। इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा एन पाई अपॉन टू प्लस थ्री पाई अपॉन पे एट निकल के आएगा। समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। कैसे होगा ये हमें याद रखना बस, ठीक है। और टेन एक्स इक्वल टेन वाई हो गया, ये एक्स नहीं टू, मतलब टेन एक्स का मतलब है एक्स एंगल है, जो भी एंगल होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेन टू एक्स इक्वल टू टेन वाई निकल के आ गया, ये होता हमारा फॉर्मूला। तो एक्स इक्वल टू एक्स की जगह टू एक्स है, एन पाई प्लस वाई, एन पाई प्लस वाई क्या हो गया टेन, और वाई क्या थ्री पाई अपॉन फोर है, तो टू इसके नीचे भी आ गया, टू इसके नीचे भी आ गया, तो ये निकल के आ गया एक्स इक्वल टू एन पाई अपॉन टू प्लस थ्री पाई अपॉन पे एट निकल के आ जाएगा इसका जनरल सोल्यूशन। अब हमारे पास मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है नाइन, ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स की आपको वो बताने कि इक्वल टू जीरो के सोल्यूशन निकालें, कैसे निकालें। आप सुनो, ध्यान सुना, पेयर कैसे बनाना वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मैं पाँच और एक का बनाता हूँ तो हाँ छः इच्छा ही है, तो यहाँ निकल के आएगा साइन फाइव एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में साइन थ्री एक्स, मैंने अरेंज कर दिया इक्वल टू जीरो कर दिया, ठीक है। अरेंज क्यों करा अभी देखना, कॉमन निकलेगा ना इसमें, इसलिए अरेंज कर दिया मैंने। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन पे टू, ठीक है। और फिर क्या आएगा कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन पे टू निकल के आता है, ठीक है। और फिर प्लस में कितना आएगा साइन थ्री एक्स इक्वल टू जीरो निकल के आ गया। अब क्या हो गया, ये हो जाएगा टू साइन सिक्स एक्स अपॉन पे टू और कॉस, ये वाई कहाँ से आ गया, ये एक्स है ना, और फोर एक्स अपॉन पे टू और प्लस में साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया टू साइन थ्री एक्स और फिर कॉस टू एक्स और प्लस में साइन थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, साइन थ्री एक्स कॉमन कर लो। तो साइन थ्री एक्स कॉमन करा कितना आ गया, वो आ गया टू कॉस टू एक्स प्लस में वन इक्वल टू जीरो निकल के आ गया। बात समझ आई नहीं आई, बिल्कुल आ गई। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार करेंगे हम लोग, पेन चेंज करता हूँ, जो एक बार करेंगे साइन थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, साइन एक्स इक्वल जीरो कब होता है जब एक्स इक्वल टू एन पाई हो, एन पाई हो गया तो एक्स निकल के आ गया एन पाई अपॉन पे थ्री, तो आपका एक तो ये सोल्यूशन बन गया एन पाई अपॉन में थ्री। इसका निकालते हैं तो टू कॉस टू एक्स प्लस प्लस में वन इक्वल टू जीरो हो गया, तो टू कॉस टू एक्स इक्वल टू माइनस का वन आ गया, तो कॉस टू एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस का वन अपॉन बाई टू। अब कॉस जो है माइनस वन अपॉन टू कहाँ कहाँ पर होता है, माइनस कहाँ पर होता है, ये यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है, इसके लिए पाई माइनस में थीटा होता है, और थीटा कितना आएगा वन अपॉन टू कब होता है, कॉस वन अपॉन टू कब होता है बताओ, कॉस वन अपॉन टू होता है मेरे ख्याल से पाई अपॉन थ्री पे होता है, थ्री पे होता है, तो कॉस टू एक्स आ गया पाई अपॉन थ्री पे होता है, कॉस नेगेटिव लाना ये आ गया पाई माइनस में पाई अपॉन थ्री पे होता है हमारे पास, तो आएगा कॉस टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस टू पाई अपॉन पे थ्री निकल के आ गया। तो कंपेयर करूंगा तो टू एक्स इक्वल टू आ गया कितना हमारे पास, अब कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई क्या होता है जनरल टर्म्स के लिए, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस के लिए क्या होता है बताओ, वो होता है हमारे पास एक्स इक्वल टू होता है टू एन पाई प्लस माइनस वाई है ना, वाई क्या है हमारे पास टू पाई अपॉन में थ्री है, और ये एक्स मतलब क्या टू एक्स हो गया ना, एक्स क्या टू एक्स है ना यहाँ पर, तो एक्स कितना आ जाएगा ये एक बार इसमें जाएगा टू एन पाई अपॉन बाई टू, और एक बार वहाँ जाएगा प्लस माइनस टू पाई अपॉन सिक्स हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो गया। तो आ गया एक्स इक्वल टू आ गया एन पाई प्लस माइनस ठीक है पाई अपॉन में थ्री, पाई अपॉन में थ्री निकल के आ जाएगा ना टू से, ठीक है पाई अपॉन थ्री निकल के, तो ये आपका निकल के आ गया दूसरा इसका सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो बहुत सिंपल है, समझने की यहाँ पर कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है, लेकिन अगर दो तीन बार देखोगे ध्यान से करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ही आराम से आपको समझ में आने वाला है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितना समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आपको पता है
इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो या फिर मेरे नंबर भी सबके पास हो गई उसमें कॉल करके या फिर टेलीग्राम में वॉइस मैसेज सेंड करके मुझसे पूछ लो अगर कोई डाउट निकल के आता है फोटो खींच के सेंड कर देगा सर यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बता दूंगा भाई इसी प्रैक्टिस करो। अब हम लोग नेक्स्ट जो है फटाफट से इसकी मिसलेनियस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस आएगी खत्म ही चैप्टर, उसके चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। बस आप भी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करो, केवल 4-5 बच्चों को छोड़ के कोई बच्चा ज़्यादा कमेंट करता नहीं तो मुझे पता नहीं चलता कि बच्चों ने किया नहीं क्या। अब नेक्स्ट जो पिछले एक्सरसाइज थी 3.3 वो थोड़ी लंबी थी, मुझे तुम लोग टाइम लेकर आराम से करो, आज 5 क्वेश्चन कल 5 क्वेश्चन, तो थोड़ा लेट कर दिया इसमें वीडियो में, बट ये जो है इसे फिनिश करो और फिर मुझे बताना वीडियो कैसी लगी। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस को लेकर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब तक के लिए हरे कृष्णा।